हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बैंकिंग एस्पायरेंट के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि बैंकर्स को कैसा घर मिलता है रहने के लिए। तो ये लीज अकोमोडेशन मुझे मिला है बैंक की तरफ से, जिसका जो रेंट है वो बैंक द्वारा भर दिया जाता है। और देखिए, ये मेरे घर का हॉल है, अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है मेरा बेलगाम में, तो यहाँ पर अभी शिफ्टिंग मेरा हो रहा है। और ये जो मुझे अकोमोडेशन मिला है उसका ये है हॉल, उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, थोड़ा बहुत सामान आ चुका है मेरा। उसके बाद ये है किचन, किचन के बाहर यहाँ पे आपको बालकनी भी है। ये है दूसरा बेडरूम, यहाँ पे अपना बोर्ड लग चुका है जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो बोर्ड है ये। और लास्ट में यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है और ये है हॉल। तो बैंकर्स को, जैसे कि स्केल वन ऑफिसर, जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे एज अ PO, एज अ AFO या फिर मार्केटिंग ऑफिसर, जो भी है, आप जब बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको 8,000 पर मंथ, बैंक टू बैंक वैरी करेगा बट ऑलमोस्ट 8,000 हर बैंक में है ही, आपको लीज रेंट मिलता है। मतलब 8,000 रुपये सैलरी से भी ज़्यादा आपको मिलते हैं ये आपके रूम का रेंट के लिए। तो उस हिसाब से आप अपने चॉइस से रूम ले सकते हैं और उसके लिए बैंक पे करता है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे, आपका काम में भी मन लगे, और इसलिए ये सब बैंक करता है आपको अच्छा घर मिले रहने के लिए। आपका वर्क और फैमिली लाइफ भी मेंटेन रहे दोनों, इसलिए ये सब करता है। और इसमें फर्नीचर खरीदने के लिए भी आपको पैसा मिलता है बैंक की तरफ से, हर 10 साल में एक बार आपको पैसा मिलता है। शुरू में लगभग 1,20,000 रुपये तक आपको मिलता है। तो पूरा टूर बाद में दूंगा, अभी थोड़ा बहुत सफाई वगैरह बाकी है, सामान आना बाकी है, तो जब आएगा तो पूरा आपको रूम का टूर कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।